नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम लोग जानेंगे G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। G20 शिखर सम्मेलन 20 देशों का एक ग्रुप है, जिसमें 7 विकासशील और 12 विकसित देश आते हैं। जैसा कि पता है कि जी का मतलब होगा ग्लोबल 20, जिसमें क्या है कि आपके 20 देशों का समूह है, जैसा कि पहले से बता चुके हैं। तो ये क्या करेंगे कि जो भी दुनिया में ग्लोबल प्रॉब्लम आती है, उस ग्लोबल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इस ग्रुप को बनाया गया है, जिसका नाम रख दिया उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है। और इसका जो आयोजन होगा वो दिल्ली में होगा 9 सितंबर 2023 और 10 सितंबर 2023 को रखा जाएगा, जिसमें अनेक देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्र अध्यक्ष भाग लेंगे। तो अब बात करते हैं कि G20 की जरूरत क्यों पड़ी। जैसा कि सभी को पता है कि प्रत्येक देश के पास सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं। किसी देश के पास कुछ चीजें होती हैं, किसी के पास कोई दूसरी चीजें होती हैं। तो इन सभी संसाधनों को आपस में साझा करने के लिए 20 देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, जिसका नाम रख दिया G20 ग्लोबल 20 शिखर सम्मेलन। 7 विकसित देश हैं और 12 हैं विकासशील देश। तो जो विकसित देश हैं वो तो काफी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेक्नोलॉजी में काफी आगे आ गए हैं। तो वो भी साथ में क्या करेंगे कि जो 12 विकासशील देश हैं उनको वो सपोर्ट करेंगे। जैसा आपने देखा होगा कि अभी ग्लोबल प्रॉब्लम आ रही थी, वो थी कोरोना महामारी, सभी देश इसी में परेशान थे। तो किसी देश के पास यदि वैक्सीन की कमी हो गई थी तो दूसरे देश के लोगों ने दिया, जैसे हमारे यहां भी कमी हुई तो बाहर से वैक्सीन मंगाई गई, और जब दूसरे देश को आवश्यकता हुई तो भारत से वैक्सीन दूसरे देशों को भी पहुंचाई गई। तो ये क्या है कि ग्लोबल प्रॉब्लम से लड़ने के लिए G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और इस आयोजन में क्या होगा, टेक्नोलॉजी के बारे में जो तकनीक है, तकनीक को भी साझा किया जाएगा। अगर हम लोग देखें कि G20 जो शिखर सम्मेलन है, इसमें ये मान के चलिए कि विश्व में 80% GDP में योगदान ये 20 देश जो आते हैं इनका रहा है। मतलब दुनिया में यदि GDP की जो ग्रोथ रेट की बात करें तो 80% देशों का इसमें योगदान है। जैसा कि आपने देखा होगा, आपके पूरे विश्व में एक अर्थव्यवस्था होती है, तो 80% जो योगदान है वो आपका G20 के देशों का योगदान रहा, जिसमें कौन कौन से देश हैं आपके, अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, मेक्सिको, अर्जेंटीना, यूनाइटेड किंगडम, इटली, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की, भारत, रूस, चीन, कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी देश G20 के अंतर्गत आते हैं। और ये क्या करेंगे, जो विकसित देश हैं वो देश जिन मतलब विकसित देश मतलब जिनका पहले से विकास हो चुका है, जहां पर प्रत्येक व्यक्ति की आय ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, आबादी अच्छी है, वो देश क्या करेंगे, विकसित जो आपका विकासशील देश है उनका सपोर्ट करेंगे, जिससे वो अपनी अर्थव्यवस्था में आगे बढ़े। क्योंकि दुनिया की कुल GDP जो है वो G20 देशों का 80% योगदान है। दुनिया में होने वाले 75% कारोबार वो 20 देशों पर
डिफरेंट होते हैं और वो 20 देश वो आपको पहले से बता चुकी है आपका G20 के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसकी जो G20 की मेजबानी है वो भारत कर रहा है और भारत के लिए काफी गौरव की बात है कि ये मेजबानी भारत को मिली, जिससे जो आप दुनिया में लोग जानेंगे भारत को कि इसने शिखर सम्मेलन में मेजबानी की और ये काफी गौरव की बात है, अच्छी बात है। देश आगे बढ़े, तकनीकी में आगे बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़े। तो इसी आशा के साथ और इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जो जो करंट में जो तो जितने भी टॉपिक आते हैं ये आपके कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं, चाहे आपका SSC हो, आपका CGL हो, मतलब इसमें आपके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो जितने भी सिचुएशन उत्पन्न हो रही हैं ये कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगी, मतलब जो भी आपके करंट अफेयर्स में चल रहा है आपका वो सभी आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा में काफी हेल्पफुल होगा। इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।